हूँ शिल्पी एंड वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा आसान सा नाश्ता, और वो भी बहुत कम तेल में। हम इस नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे वो रेगुलर चीज़ें जो आपके घर में हमेशा अवेलेबल होती है। तो हम बनाएंगे सेवई और आलू से, बॉल्स कह लें आप, कटलेट्स कह लें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, बनाने में आसान, तो आप इनको ज़रूर ट्राई करें एंड आई होप ये आपको बहुत पसंद आए। तो आइए देखते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले ये लेंगे वर्मीसेली। ये एक कप उबली हुई सेवई है, मैंने इनको रोस्ट नहीं किया था, बस इनको सिर्फ पानी में डाल के उबाल के छान लिया था और अभी ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर ये एक कप बॉईल की हुई सेवई, यहाँ पर है करीब एक चौथाई कप से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन, दो बड़े साइज़ के उबले हुए आलू जिनको रफली मैश कर लिया है मैंने, यहाँ पर है एक चौथाई कप कुटी हुई मूंगफली। आप चाहें तो रॉ पीनट्स या मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप मेरे पास क्योंकि रोस्टेड पीनट्स रखे थे तो मैंने उनको बस क्रश कर लिया है। यहाँ मेरे पास है रेड चिली, धनिया पाउडर, आधा कटोरी एकदम महीन किया हुआ प्याज, नमक, ये है अमचूर पाउडर या जिसको हम कहते हैं ड्राई मैंगो पाउडर, ये करीब हम एक टीस्पून का इस्तेमाल करेंगे, दो महीन कटी हरी मिर्चें, दो टेबलस्पून भरकर हरा धनिया, और आधा छोटा चम्मच या टीस्पून जो है वो है ये चाट मसाला। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए मैं सेवई के बाउल में चाट मसाला डाल दूंगी। इसमें डालेंगे महीन कटा हरा धनिया, महीन कटी हुई हरी मिर्चें, अमचूर पाउडर जो कि करीब एक टीस्पून है, हम डालेंगे इसमें एक चम्मच भरकर धनिया पाउडर, आधा टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्रश की हुई मूंगफली, प्याज, बेसन, और अब हम इसमें डालेंगे ये उबले हुए आलू जो कि कप के हिसाब से आप समझ लीजिए तीन चौथाई कप आलू होंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ के आलू थे। हम इसमें मिलाएंगे नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाइए, और अब हम इन सभी को बहुत अच्छे से मैश करेंगे और इनका मिक्सचर बना लेंगे। तो जब भी आपको भूख लगी हो और आपको समझना है क्या बनाया जाए तो ये नाश्ता बहुत फटाफट बन जाता है, काफ़ी क्रिस्प बनता है, कम तेल में बनता है और बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आता है। तो देखिए हम धीरे हाथों से अच्छे से इसको मिला लेंगे। तो इसमें आप जो मिर्च है और मसाले हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़े से और ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह का एक मिक्सचर बना लिया है, और अब हम अपने हाथों को तेल से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे जिससे कि बॉल्स बनाते समय मिक्सचर हमारे हाथों में जो है वो चिपकेगा नहीं, और हम इस तरह के बॉल्स बनाएंगे। तो हमें इस तरह के बॉल्स बनाने हैं। ये जो ब्रेकफास्ट है यह काफ़ी क्रिस्प बनता है, और आप इसको हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, आप इसको नारियल चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर केचप के साथ, और ऑफ कोर्स ये काफ़ी कम तेल में बनता है, तो जो मेरे हेल्थ कॉन्शियस फ्रेंड्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम बॉल्स बना लेंगे इनके, और आइए अब देखते हैं कि इनको हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये जो है अपना अप्पे पैन लिया है क्योंकि हम इनको नॉन फ्राइड बनाना चाहते हैं, तो हम इस अप्पे पैन में थोड़ा थोड़ा सा तेल डालेंगे, करीब 1/4 टीस्पून से कम या फिर 3-4 ड्रॉप तेल के डालेंगे हम। और अब जो हमने अपने बॉल्स बनाए थे वो उसमें हम हल्के से चपटे करके रखेंगे। तो ये देखें हमने इस तरह से इनमें ये पैन में इनको डाल दिया है, और मैंने यहाँ पर आंच को मीडियम फ्लेम पर ही रखा हुआ है। हम इनको करीब 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे और उसके बाद हम इनको चेक करेंगे। अब इनको पकते हुए करीब 2 मिनट हो गए हैं, हम इनको चेक करेंगे। हम इनको एक स्पून से पलट देंगे। ये देखिए क्या बढ़िया सिके हैं ये, और हमने कितना सा ऑयल डाला था इसमें आपके सामने, बहुत ही कम, तभी आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से सिक चुके हैं। हम इन सबको पलट देंगे। तो इसमें जो बीच वाला जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से सिकते हैं क्योंकि यहाँ पर आँच बहुत तेज़ लग रही होती है, तो आप देखें कि ये ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं और ये वाले हल्के से अभी क्रीमिश ही हुए हैं। तो अब ध्यान रखें कि बीच वाले जल्दी पक जाते हैं तो आपको इनको थोड़ा जल्दी हटाना होगा। और अब हम इसको नीचे से भी सेकेंगे, और हम इनको तब तक पकाना है जब तक कि एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो जाए। तो ये देखें हमारे इस साइड से सिकते हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं, अब देखिए एकदम क्रिस्प और ब्राउन हो चुके हैं ये।
तो हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको सर्व करेंगे। तो आप ये मज़ेदार स्नैक अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। मैं मोस्टली प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में बहुत सारी फ्राइड चीज़ें दूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि उनको कुछ मैं हेल्दी स्नैक दूँ, मतलब टेस्टी भी हो और फ्राइड ना हो। तो ये सब रेसिपीज़ तब बहुत काम आती हैं। और आइए अब हम इनको सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे एकदम गर्मा गर्म नाश्ता जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है, और इसको मैं सर्व करती हूँ तीखी हरी धनिया की चटनी के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें एंड आई होप ये आपको बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।